मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए मैच में डेविड वार्नर ने विस्फोटक अर्धशतक लगाया। उन्होंने मैच में 34 गेंदों में 66 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। इस शानदार पारी की बदौलत ऑरेंज कैप की रेस में बड़ी छलांग लगाते हुए वार्नर एक बार फिर टॉप 3 में शामिल हो गए। हालांकि नंबर 1 का पायदान अभी भी केएल राहुल के पास ही है, जिसके बाद नंबर 2 पर लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले शिखर धवन, जो मंगलवार के मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। बावजूद इसके 471 रनों के साथ वो दूसरे नंबर पर काबिज हैं। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि इस पारी के साथ ही डेविड वार्नर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। वार्नर ने अब तक इस सीजन में 12 इनिंग्स में 436 रन बनाए हैं, जबकि विराट कोहली की 11 पारियों में 415 रन है। इस मैच में ऑलराउंड खेल के दम पर दिल्ली कैपिटल्स को हैदराबाद ने एक तरफा अंदाज में 88 रनों से शिकस्त दी। 219 रन का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने 131 रन पर ही सिमट गई। हैदराबाद के लिए राशिद खान सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में महज 7 रन देकर 3 विकेट चटकाए। संदीप शर्मा को 2 विकेट मिले। हैदराबाद ने रिद्धिमान साहा और डेविड वार्नर के अर्धशतकों के सहारे 2 विकेट पर 219 रन बनाए थे। ये सीजन में दिल्ली की 5वीं और लगातार 3री हार है। वो अपने पिछले 3 मैच हार गई है। इस हार से उसे पॉइंट्स टेबल में भी नुकसान पहुंचा है। अब वो दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गई है। हालांकि 12 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर वो अभी भी प्लेऑफ में जाने की दावेदार है। वहीं हैदराबाद के लिए ये जीत किसी वरदान से कम नहीं रही। उसने 12 मैच में 5वीं जीत दर्ज की और 6ठे नंबर की जगह बनाई। उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें भी इसी जीत के साथ ही जिंदा है। बहरहाल डेविड वार्नर की धमाकेदार पारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही देश दुनिया और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ और क्रिकेट का एक्सक्लूसिव डोज हर रोज, अभी सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष का यूट्यूब चैनल। लॉग ऑन करें IPL2020.TV9BharatVarsh.com पर, जवाब दीजिए आसान से सवालों का और जीतिए ढेर सारे इनाम हर रोज। पैनासोनिक, इंडिया खास बासमती राइस और पी सेफ के गिफ्ट हैम्पर्स।